राजस्थान विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद आखिरकार वो वक्त आ गया जब मुख्यमंत्री पद का ऐलान हो गया। फोटो सेशन में चौथे लाइन में बैठे भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। इधर सीएम की रेस में शामिल दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया है, तो वहीं प्रेमचंद बेरवा को भी डिप्टी सीएम बनाया है। वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया है। प्रेमचंद बेरवा जयपुर जिले की दूदू सीट से विधायक है। उन्होंने इस बार कांग्रेस के दिग्गज नेता बाबूलाल नागर को शिकस्त दी थी। बेरवा को राजस्थान का डिप्टी सीएम घोषित कर बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा दाव माना जा रहा है। इसका प्रभाव न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और दिल्ली के अनुसूचित जाति वोट बैंक पर भी होगा। डिप्टी सीएम के पद पर पूर्व राजघराने की दिया कुमारी के जरिए राजपूत समाज को साधने की भी कोशिश की गई है।